तो बिना तामझाम के अगर कुछ जल्दी से फटाफट से अच्छा खाना होना तो फ्राइड राइस से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और उसमें हमने अनियंस को डाल देना है। अच्छे से इन्हें गुलाबी होने देना है, ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद में हमने इसमें कैरेट यानी गाजर डाल देनी है बिल्कुल अच्छे से। गाजरों को भी हमने गला लेना है, देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे बेल पेपर्स। तो यहाँ पे मेरे पास रेड वाला और येलो वाला है, आपके पास नहीं है तो आप कैप्सिकम ग्रीन वाली डाल के भी काम चला सकते हैं, या फिर अपनी पसंद की और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स वगैरह। आज घर में सिर्फ यही 3 सब्जियां थी तो इन्हें मैंने डाल दिया है। इनको हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, क्रंच खत्म नहीं करना है, इसीलिए हमें ज्यादा नहीं भूनना। तो अब हम सॉस ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे रेड चिली सॉस, वाह यम्मी फ्लेवर आता है। उसके बाद डालेंगे विनेगर, तो 1/2 टीस्पून विनेगर डालेंगे, ज्यादा नहीं। और सोया सॉस, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, मुझे ज्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था। तो इन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाँ, नमक भी डालना है, तो 1/2 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि बाकी के सॉसेस में भी नमक होता है, इसलिए 1/2 टीस्पून नमक। लास्ट में मैंने इसमें टमाटो केचप भी डाला, तो 1 टेबलस्पून थोड़ा सा ज्यादा डाला है मैंने टमाटो केचप। थोड़ा सा खट्टा सा मीठा सा टैंगी सा फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए मैंने टमाटो सॉस थोड़ा ज्यादा डाल दिया। 1 मिनट भून लिया और उसके बाद हमने इसमें चावल डाल दिए। तो ये चावल मैंने बॉईल ही फ्राइड राइस करने के लिए किए थे, तो इसलिए मैंने इसमें ये सिनेमन यानी कि दालचीनी डाल के इनको बॉईल किया था, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जैसे कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और ये लीजिए, 2 मिनट बाद हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी में फिर से मिलती हूँ आपसे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।